सनातन। जय मां मातंगी। हनुमान जी के अद्वितीय और विलक्षण मंत्रों की श्रृंखला में आज हम आपको एक और दिव्य मंत्र देने जा रहे हैं। ये मंत्र है संकट हरण मंत्र। जी हाँ, संकट हरण मंत्र वो मंत्र है जो मानव पर अगर किसी भी प्रकार का संकट आ जाता है, उस संकट को पलक झपटते ही हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। यहाँ तक भगवान श्री राम को भी उन्होंने कई बार संकटों से उबारा। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि संकट ते हनुमान चुनावें, मन कम क्रम वचन ध्यान जो लावें। यानी हनुमान जी का स्मरण करने वाला और हनुमान जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति को संकट से मुक्ति मिल जाती है। और आज एक ऐसा दुर्लभ और विलक्षण संकट हरण मंत्र बताया जाएगा जिसमें अगर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट आ गया है, संतान के ऊपर कोई संकट या कष्ट आया हुआ है, परिवार पर किसी प्रकार का संकट या कष्ट आया हुआ है, तो उसे पल भर में दूर करने का ये अद्वितीय और विलक्षण मंत्र है। हनुमान जी संकट हारक हैं। वो मानव को संकट से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ तक भगवान श्री राम पर भी जब जब संकट आया, तब तब हनुमान जी ने ही उन्हें बचाया। आज जिस मंत्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत छोटा सा हनुमान जी का मंत्र है। मंत्र बेहद विलक्षण है, जागृत मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप जपते हैं और करते हैं, तो निश्चित मान कर चलिएगा कि जीवन में अगर बड़ा से बड़ा भी कोई संकट आया हुआ है, तो उस संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। एक बात को पहले आप समझ लीजिए कि आम तौर पर लोगों के वैवाहिक जीवन मन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट खड़ा हो गया है, तो इस मंत्र का जाप तत्काल करना प्रारंभ कर दीजिए। हम आगे आपको बताएंगे कि मंत्र का जाप कैसे करना और कौन सा मंत्र ही, तो हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए। अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का संकट खड़ा हो गया है, तो इस मंत्र का जाप आपको तत्काल करना चाहिए। साथ ही अगर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ गया, परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई संकट आ गया है, तो उसे बचाने के लिए भी आप इस मंत्र को तत्काल जपना प्रारंभ कर दीजिए। परिवार पर आए हुए प्रत्येक संकटों को यह निवारण करेगा। साथ ही अगर संतान पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आ गया है, कोई संकट आ गया है, तो संतान के ऊपर आए हुए कष्ट को टालने के लिए भी माता पिता इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और यह जप आपको बहुत सामान्य तरीके से अपने आप करना है, कोई आडंबर नहीं होगा। किसी प्रकार के पंडित पुरोहित को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने ही घर में बैठ करके इसका जाप करेंगे, बहुत सामान्य ढंग से जाप करेंगे और चमत्कार आप सामने देखेंगे। सबसे पहले इस मंत्र को जपने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस बात को समझ लीजिए कि हनुमान जी का एक चित्र स्थापित कर लीजिएगा। उसके सामने लाल आसन डालिएगा जिसके ऊपर जातक यानी मंत्र का जाप करने वाला उस आसन लाल रंग के आसन के ऊपर विराजमान होगा। सामने हनुमान जी का एक अभय मुद्रा वाला चित्र होगा, या फिर हाथ में वो संजीवनी बूटी लिए हैं, ऐसा अगर कोई चित्र मिलता है तो उस चित्र को आप लगा लीजिएगा। पंचमुखी हनुमान भी यहाँ पर बहुत अच्छी उनका पोस्टर कैलेंडर होगा, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी के ठीक सामने गाय के देसी घी यानी शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना होगा। मिट्टी के पात्र में आप दीपक जलाइएगा। हनुमान जी को सिंदूर, लाल चंदन और अक्षत ये अर्पित कर दीजिएगा। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाएंगे। उन्हें बेसन के लड्डू पसंद है, इसलिए बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाया जाएगा। पूर्व की तरफ मुंह करके बैठेंगे। आप रुद्राक्ष की माला को लीजिएगा और 108 बार इस मंत्र को आपको जपना है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मंत्र बहुत छोटा सा है, तत्काल आपको याद हो जाएगा, कुछ मिनटों में ही यह मंत्र हो जाएगा। 108 बार आपको इस मंत्र को एक दिन में जपना है, कम से कम 45 दिन लगातार इस मंत्र को आप जपते रहें।
पहले दिन मंत्र जपना प्रारंभ करेंगे, पहले दिन से ही आपको एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वास्तव में हनुमान जी मेरे रक्षक बनकर के मेरे सामने खड़े हो गए हैं। अब आप इतना सब पढ़ने के बाद उस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र को बहुत ध्यान से गंभीरता से सुनिएगा। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। हनुमान जी की विधिवत वो पूजा जो विधि मैंने प्रारंभ में बताई है, उस विधि से हनुमान जी की पूजन करेंगे और पूजन के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको जब मनोकामना पूरी हो जाए और आया हुआ संकट से जब पूर्णतः मुक्ति मिल जाए, तब आखिरी बार आप हनुमान जी का एक हवन भी कर लीजिएगा। हवन करना होगा, लेकिन हवन तभी किया जाएगा जब कामना पूर्ण हो जाए, यानी कामना पूर्ण होने के बाद हनुमान जी का एक हवन कर दीजिएगा। हनुमान जी संकट मोचक हैं, किसी भी प्रकार का संकट आता है और आप उनको याद करते हैं तो वो आपके पास खड़े होते हैं। हनुमान जी के बेहद विलक्षण और दुर्लभ मंत्र भरे पड़े हैं, हम आपको एक एक करके उन मंत्रों के बारे में बता रहे हैं। अगले अंक में फिर आपको एक अद्भुत और विलक्षण मंत्र देंगे जिसे आप स्वयं जपेंगे और उसका चमत्कार आप देखेंगे। फिलहाल एक प्रार्थना यह है कि यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे, लोग इसका लाभ उठा सके, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कार्यक्रम अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी हनुमान जी के एक नए मंत्र के साथ। तब तक के लिए जय मां मतंगी।